परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग के बाद एक युवक ने आदिवासी महिला से माला पहनाकर विवाह कर लिया। महिला के दो बच्चे हैं, उन्हें भी युवक ने साथ रखने और भरण पोषण करने की बात स्वीकार की है। बता दें कि सुहागपुर के अंबेडकर वार्ड निवासी राम रघुवंशी, जो कि अविवाहित था, उसकी जान पहचान उटिया छिला चिंदवाड़ा की माया भारती महिला से दो महीने पहले हो गई थी। दरअसल माया भारती रिश्ते में मुकेश भारती की सगी साली होती है। मुकेश की पत्नी से संतान न होने से उसने साली को साथ रख लिया और साली से दो बच्चे पैदा हो गए, लेकिन मुकेश बच्चों और माया का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। उधर हजराम की पहचान नजदीकी में बदलने के बाद दोनों पक्षों की ओर से विवाह करने के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके चलते दोनों पक्षों को परामर्श केंद्र में बुलाकर मामले को समझा और दोनों पक्षों की बात सुनकर हजराम ने माया भारती, जो कि पहले से दो बच्चों की माँ है, उससे विवाह कर साथ रखने तैयार हो गया, जिसके चलते पुलिस विभाग के कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर विवाह कर लिया। अब हरिराम माया और उसके दोनों बच्चों को साथ रखेगा और उनका भरण पोषण भी करेगा। उधर माया का जीजा मुकेश भी विवाह कराने परिवार परामर्श केंद्र आया था। उसका कहना है कि माया साली है और उससे उसके दो बच्चे हैं, लेकिन मुकेश ने माया से कानूनन विवाह नहीं किया था। हरिराम से विवाह को लेकर उसका कहना है कि माया की इच्छा है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। परामर्श केंद्र में इस दौरान काउंसलर अलका पुरोहित, लक्ष्मी साहू, उमेश रघुवंशी सहित महिला आरक्षक सुनीता पथोरिया मौजूद रहे। मामला आया है, तो एक शादी कराई जा रही, पूरा क्या मामला है? ये हरिराम रघुवंशी जी, इन्होंने पिछले हफ्ते आवेदन दिया था कि माया भारती को अपने साथ रखना चाह रहे थे। पिछले 15-20 दिन से ये शायद इनके घर में रह रही थी, तो उन्होंने यहाँ आवेदन दिया था, इससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की और इसके दो जो बच्चे हैं दो पूर्व में, वो भी उन्होंने अपने साथ रखने के लिए आवेदन दिया था। तो आज परामर्श केंद्र में ये केस आया, तो परामर्श केंद्र के सब सदस्यों, समिति सदस्यों सबने ये चाहा कि भाई इनकी विधिवत यहीं से विवाह करके जाएं, माला अदला बदली करके, और यहीं से उनका वैवाहिक जीवन शुरू करने का परामर्श केंद्र से शुरुआत की हम लोगों ने। तो पहले शादी हो चुकी है और दूसरी पूरा मामला क्या है? ये परासिया की है और ऐसा ये इसके जीजा ने इसको रख रखा था और ये वहाँ खुश नहीं थी, तो ये हरिराम रघुवंशी जी इनको मिले होंगे कभी, तो इनका जो भी आपस में इन लोगों की जो भी बातचीत हुई हो, ये इनके साथ रहने लग गई थी, लिव इन में ही कह सकते हैं, लिव इन में रहने लग गई थी, तो इन्होंने वापस इस रिश्ते को हो सकता है एक नाम देने की कोशिश की है, तो इन्होंने अपना वैवाहिक जीवन शुरू किया है आज से। सुहागपुर से नर्मदा पटेल मामा की रिपोर्ट।